आइए आज हम आपको भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा म्यूजियम दिखाने जा रहे हैं, जो कि भगवत गीता के ऊपर ब्रह्म कुमारी द्वारा बनाया गया है। और यह म्यूजियम कर्नाटका के हुबली में स्थित है और इस भवन का नाम भगवत गीता ज्ञान लोक है। और यह म्यूजियम बहुत ही विशाल रूप में बना हुआ है, तो आइए हम आपको ले चलते हैं सीधा म्यूजियम में। और ये देखिए, यहाँ से गेट है और यहाँ से लोग एंट्री करते हैं। और ये देखिए कितना भव्य और बहुत ही खूबसूरत ये म्यूजियम बना हुआ है। यहाँ आने के बाद आपको भगवत गीता का सच्चा सार और जीवन का सही अर्थ समझने को मिलेगा। आजकल इंसान के पास सब कुछ है, धन है, दो दो तीन तीन डिग्रियां है, लेकिन उसके पास मनस शांति नहीं है, मानसिक चयन नहीं है। उसके लिए वो भटक रहा है, दूसरी दूसरी भौतिक वस्तुओं में वो खोज रहा है मन शांति के लिए, या मानसिक चयन, या 80% पानी के लिए 25% ये सर्कुलेशन के लिए छोड़ेंगे। ये मिक्सर कभी भी खराब नहीं होगी, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। इसलिए ये मिक्सर अच्छी रीति संभालना है। ये संभालने वाला कौन है, वो अलग ही है ना। देखिए ये सभी यंत्र है इस शरीर में, किडनी चाहे हार्ट हो चाहे ब्रेन हो, जो भी है सब यंत्र है। इसको संभालने वाला जो है वो चैतन्य शक्ति आत्मा है। जैसे देखिए एक मृत शरीर आपके सामने पड़ा है, शव, उसमें हर चीज है, उसमें मस्तिष्क है, हार्ट है, किडनी है, सब कुछ है। वो कुछ काम करेगी, तो कराने वाला कौन है, वो आत्मा। मैं आत्मा चैतन्य शक्ति मैं हूँ, एक जड़ शरीर यंत्र है, मैं जान। और ये एक ऐसा रूम है जिसमें आप इंटर करेंगे तो केवल आपका इसमें सिर दिखेगा, बाकी और कुछ नहीं दिखता है। और ये मिरर हाउस है भूल भुलैया, जिसमें आप एक बार चले जाएंगे तो बहुत ही मुश्किल होता है बाहर निकलने में। आप यहाँ बहुत ही एंजॉय भी करेंगे और आगे और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं देखने को। यहाँ म्यूजियम में आकर के आप जीवन के एक एक पहलू को बहुत ही बारीकी से समझ सकते हैं अध्यात्म को चित्रों के माध्यम से, और आप बहुत ही स्ट्रेस फ्री महसूस करेंगे यहाँ से जाने के बाद। और ये म्यूजियम बहुत ही विशाल है और इसे देखने के लिए 3-4 hours का समय भी लगता है। ये देखिए कितना सुंदर डिजाइन किया गया है और बहुत ही सुंदर नक्काशी भी किया गया है। और यह जो भाग है ये भाग स्वर्ग का है और इसमें स्वर्ग का सचित्र वर्णन किया गया है कि देवी देवताएं स्वर्ग में कैसे रहते हैं। और यह भाग इतना विशाल है कि इसमें नाव बनाया गया है और यह नाव चलता है, इसी से बैठ करके सभी मूर्तियों को, सभी देवी देवताओं को आप देख पाते हैं।
म्यूजियम का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। ओम शांति, सदा प्रसन्न रहें, खुश रहें।